हाय गाइस, आई होप वी आर लाइव नाउ. लेट मी चेक. अब तो क्लास में ही सो है। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक. आई होप वी आर लाइव नाउ. या वी आर लाइव, वी आर लाइव. या सो गाइज, वी आर लाइव नाउ एंड वी आर डूइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन दिस सेशन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड ईयर फॉर सेकेंड ईयर मेडिको. नो वन विल आस्क यू इन वाइवास एंड यू सी एग्जाम्स एंड ऑल. बट या As per your clinical knowledge, you must know the blood transfusion. You must know the disorders of the transfusion, right? You must know कि अगर कुछ गलत ब्लड किसी को ट्रांस फ्यूज करा जाए तो क्या इमीडिएट रिएक्शंस हो सकते हैं, ताकि कभी अगर आप हॉस्पिटल में क्लिनिक्स में ड्यूटीज कर रहे हो, सो अगर कहीं कोई ऐसा रिएक्शन आए तो आप इमीडिएट एक्शन ले सको, और अगर आपका सीनियर ना हो तो भी आप इमीडिएट एक्शन ले सको, बिकॉज आर मेन पर्पस इज़ टू सेव द पेशेंट्स लाइफ. आर मेन पर्पस, हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा मेन पर्पस इज़ टू सेव आ पेशेंट्स लाइफ. पेशेंट्स लाइफ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस, एंड फॉर दैट आई थॉट दैट वी शुड डू अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला थिंग. बट फॉर अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, और इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर योर एग्जाम, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट. इन वाइवाज ऑल्सो नो वन विल आस्क यू. बट इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ क्लिनिकल नॉलेज, इफ यू वॉन्ट टू नो दैट अगर गलत ब्लड गलती से भी ट्रांसफ्यूज हो और अगर पेशेंट को वो सूट ना करे, देन वॉट आर द इमीजिएट रिएक्शंस जो कि प्रोड्यूस हो सकते हैं, ताकि आप इमीजिएट एक्शन ले सको. सो दैट्स वाई वी आर स्टडिंग दिस, राइट? सो वेलकम टू द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी, एंड आई एम शिविर मानी, इंडियन मेडिकल स्टूडेंट एंड ऑथर ऑफ द बुक फार्म एक ईजी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, एन अकेडमी लर्निंग ऐप. सो यू कैन इंस्टॉल द ऐप फॉर फ्री फ्रॉम ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर, राइट? एंड इट्स फ्री, सो मेक श्योर यू डाउनलोड इट, एंड यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस, यू कैन आस्क योर डाउट्स टू द एडुकेटर, यू कैन चैट विद द एडुकेटर. सो दैट्स वाई, एंड फॉर फ्री, राइट? इट्स सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स बेनिफिशियल, राइट? देन अभी एक देर इज़ अ न्यू गाइडलाइन फ्रॉम 1 दिसंबर, लेट मी टेल यू दैट. सो स्पेशल क्लासेस आर फ्री, राइट? फ्रॉम स्टार्टिंग, जब से मैंने देखा है स्पेशल क्लासेस तब से फ्री हैं और अभी भी फ्री हैं, बट एक नई गाइडलाइन स्टार्ट हुई है. सो द न्यू गाइडलाइन इज कि यू कैन अटेंड स्पेशल क्लासेस, बट यू हैव टू यूज़ द एडुकेटर्स रेफरल कोड, राइट? सो इफ यू वॉन्ट टू अटेंड एनी ऑफ द स्पेशल क्लास, यू कैन यूज़ द कोड विरमानी, राइट? विरमानी कोड यूज़ कर सकते हो एंड उसके बाद आप वो स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री, राइट? इट्स फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, बट यू हैव टू यूज़ अ कोड, राइट? एंड वी आर हैविंग द टॉप लेवल ऑफ एडुकेटर्स विद 4K फॉलोअर्स, विद 7 मिलियन वॉच टाइम्स, विद एक्सपीरियंस, एंड दे आर प्रोफेसर्स फ्रॉम एम्स एंड सफदरजंग एंड ऑल द टॉप एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज. सो दैट्स वाई यू शुड
install the Unacademy app and you can watch their special classes and you can chat with them, right? And we are having two choices of courses, plus course and iconic course. So what is a plus course? Plus course ke andar you get benefit of the Unacademy, live classes, live test, quizzes, batch courses and structured schedule, right? And iconic course is the collaboration of Unacademy with PrepLadder. Right, so in this you get benefit of full Unacademy jo humne discuss kara, plus you get benefit of PrepLadder's video lectures, QBank, rapid revision course, handwritten notes. So if you are a second or third year medical student, then I would suggest you to buy iconic subscription, right? And iconic subscription ke there are four choices: 12 month, 18 month, 24 month and 36 month, and the code is Virmani and you will be getting 20% or 10% off, right? Laga ke dekh lena, ke 20 mile to bhi it's fine, right? And plus course ke there are many choices: 1 month, 3 month, 6 month, 12 months, 18 months, 24 months and 36 months, right? So if you want to test ki kaise kaise batch courses mein enroll hona hai, kya hona hai, and if you like, to aap 1 month ke liye testing base ka le sakte ho, and then you can upgrade it to 3, 6, 12, 24, 36 as per your need, right? So let's get started with the Pythonian. So first of all, thank you so much for all the love you have shown, you have showered on the Pharmac Easy. So Pharmac Easy was the earlier series jo maine complete kari hai with pharmacology, right? Humne 95% around pharmacology complete kar liya hai, aur jo 5% bachi hai that is not important. So thank you so much for all the love you have showered on the Pharmac Easy series, right? So uske baad se ye idea aaya ki let's do this with pathology as well. So Pythonian is the second series, right? And yeah, we have started with the anemia, but anemia, as you know, it's so huge. So we have still completed iron deficiency and megaloblastic, iron deficiency, sideroblastic, megaloblastic, and yeah, but till now we haven't completed hemolytic anemia and aplastic anemia and thalassemia. So these three things we have to do, and we will schedule one other one session that will be regarded as anemia 4. So we'll be completing these three topics that are left behind, right? In the morning wala session we have completed the bleeding disorders, we have completed the coagulation disorders, we have completed the ITP, TTP, DIC, disseminated intravascular coagulation, right? And now in this session we will be completing the blood transfusion. Now we will be doing the blood transfusion, so I think we should start the session now. Bahut sari info ho chuki hai already. Let's just get started with the blood transfusion. So why it is showing bleeding disorders? Should I revise this thing? No, we will have a sum up session in this video. So we would be having a sum up session. In that session we will revise the things, right? And I think we should directly jump to the transfusion. Transfusion. Yeah, so welcome back and thank you so much itne time se listening to me.
understanding me, understanding my concepts. So let's get started. So we will not go through these things. ये सब आपको पता है, लैंडस्टीनर लॉ एंड ऑल ऑफ दैट एंड सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं वो सब आई थिंक कि आप फिजियोलॉजी में कवर करके आए हो. सो वी विल जस्ट जम्प टू द ABO ब्लड ग्रुप जो कि एक्सेप्टेड सिस्टम है. एंड थोड़ा सा एक इन्फो दे देता हूँ कि ब्लड ग्रुप अगर थोड़ा सा इन्फो बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की, राइट, एंड देन वी विल जस्ट गेट स्टार्टेड विद द पैथोलॉजी रिगार्डिंग टू द ट्रांसफ्यूजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग एंटीजेंस कौन से प्रेजेंट होते हैं ऑन द RBC एंड नेचुरल अकरिंग सीरम एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होती हैं. सो गाइज, ब्लड ग्रुप अगर पेशेंट का ए है सो एंटीजेंस ऑन द रेड सेल वुड बी ए ओनली एंड एंटीबॉडीज वुड बी एंटी बी. सो इन ए यू कैन नॉट ट्रांसफ्यूज बी, राइट. सो इफ द पेशेंट्स ब्लड ग्रुप इज ए, राइट, यू कैन नॉट ट्रांसफर बी बिकॉज पेशेंट ए इज हैविंग एंटी बी एंटीबॉडीज, राइट. एंड सेम गोज विद बी, राइट, यू कैन नॉट ट्रांसफ्यूज ए, राइट. सो इन ए यू हैव टू ट्रांसफ्यूज ए, ठीक है. जिस जो भी आपको ट्रांसफ्यूज करना है ना, ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको जो भी करना है ना, उसके अंदर रिस्पेक्टिव एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए. लाइक जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ए के अंदर देखो, ए के अंदर एंटी बी है, राइट. सो यू कैन नॉट ट्रांसफ्यूज बी इन द ए, बट यू कैन ट्रांसफ्यूज ए बी. ए बी आप ट्रांसफ्यूज कर सकते हो बिकॉज ए बी के अंदर आप देखो कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, तो ये ट्रांसफ्यूज कर सकते हो. बट आपको हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कि आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपने ट्रांसफ्यूज करा है ए बी, तो फ्यूचर में आपको ए बी ही ट्रांसफर होगा, नहीं तो ओ एंटी बी वाले. अगर बी ट्रांसफ्यूज हो गया इसके बाद तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है. देन अब बात करते हैं बी की. बी वाला जो ब्लड ग्रुप है वो ए में नहीं चल सकता, ए ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं हो सकता, ओनली बी ट्रांसफ्यूज हो सकता है, राइट, प्लस ए बी ट्रांसफ्यूज हो सकता है. देन ओ की बात करते हैं. ओ वाले इंडिविजुअल के अंदर यू कैन नॉट ट्रांसफ्यूज ए बी बिकॉज द पेशेंट इज हैविंग एंटी एंड एंटी बी ऑल द थ्री एंटीबॉडीज, राइट. सो आप नहीं ट्रांसफ्यूज कर सकते ओ के अंदर किसी भी और ब्लड ग्रुप. ओ नीड्स ओ, राइट, समझ गए होगे आई होप. सो आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट रेसस सिस्टम. सो रेसस RH ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑन द ह्यूमन रेड सेल बाय द यूज ऑफ एंटी सीरा प्रिपेयर्ड बाय इम्यूनाइजिंग रैबिट्स विद द रेड सेल्स फ्रॉम अ रेसस मंकी, राइट. एंड द RH एलीलिक जीन्स आर सी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी एंड स्मॉल डी कैपिटल ई एंड स्मॉल ई लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम 1, राइट. सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इज डी. सो प्लीज़ ये डी को अच्छे से समझ लेना, राइट. वन सेट ऑफ द थ्री जीन्स इज इनहेरिटेड फ्रॉम द ईच पेरेंट गिविंग राइज टू द वेरियस कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस. द कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजेंस आर सिमिलरली नेम्ड एज CCEE एंड ओनली डी बिकॉज देयर इज नो स्मॉल डी एंटीजन एग्जिस्ट, राइट. देयर इज ओनली कैपिटल डी एंटीजन. हाउएवर आउट ऑफ ऑल दीज डी एंटीजन इज मोस्ट स्ट्रांगली इम्यूनोजेनिक, राइट. जैसे मैंने कहा डी एंटीजन इज मोस्ट स्ट्रांगली इम्यूनोजेनिक एंड ये चीज़ आपको हाइड्रोप्स फिटैलिस में काम आएगी जब जब RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का वाला जो सीन हो जाता है मदर प्लस फीटस का, जिसके अंदर फीटस फीटस का डैमेज स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव RH पॉजिटिव मदर, राइट. सो दैट्स वाई हमें फिर देना पड़ता है एंटी डी इनका इंजेक्शन ताकि पेशेंट ताकि हम फीटस को बचा सकें, नहीं तो वो फीटस हाइड्रोप्स फिटालिस में जा सकता है और
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस में जा सकता है, जिसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर बिलीरुबिन एक्यूमुलेट होगा, बिलीरुबिन जाएगा उसके ब्रेन में, बेसल गैंग्लिया में एक्यूमुलेट हो जाएगा, कर्निक टेरस कॉज करेगा एंड फर्दर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एंड डेथ, राइट? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस एंड हाइड्रोप्स फर्टाइलिस, ये दोनों चीज़ें कॉज कर सकता है एंड देयर फॉर क्लिनिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो डी इज क्लिनिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इन प्रैक्टिस आर एच ग्रुपिंग इज परफॉर्म्ड विद इन विद एंटी डी एंटी सीरम. सो आर एच का मतलब देखो, आपने कभी देखा होगा ना, आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है. सो दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज डी ओनली, राइट? सो अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटी डी एंटी सीरम में अगर आपने ब्लड डाला और वो कोगुलेट कर गया, देन पॉजिटिव है आपका ब्लड उसके लिए, राइट? आपकी बॉडी के अंदर है डी एंटी डी, राइट? डी एंटीबॉडीज हैं, ठीक है. अगर नेगेटिव आया मतलब कि कोगुलेशन नहीं हुई. देखो आपने ये तो करा ही होगा, दीज आर थ्री टाइल होती है ना, जिसके अंदर ऐसे थ्री स्पेसेस होती हैं जब हम चेक करते हैं ए बी एंड डी के लिए, ठीक है. अगर मान लो आपने इसमें कोगुलेशन हो गया और इसमें कोगुलेशन हो गया और बी वाले में कोगुलेशन नहीं हुआ, तो देन योर ब्लड ग्रुप इज ए पॉजिटिव. सो दिस पॉजिटिव इज डी, मतलब रेसस सिस्टम से ये डी आया पॉजिटिव. अगर ये भी इक्वल रहता ना, जैसे बी है तो देन देयर वुड बी ए नेगेटिव, सो ब्लड ग्रुप होता ए नेगेटिव. अगर तीनों में ही कोगुलेशन हो रहा है तो मतलब है ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, राइट? सो इन प्रैक्टिस आर एच ग्रुपिंग इज परफॉर्म विद एंटी डी एंटी सीरम. कभी आपने देखा होगा, इंडिविजुअल्स हु आर डी पॉजिटिव आर रेफर्ड एज आर एच पॉजिटिव एंड दोज हु लैक डी एंटीजन आर टर्म्ड एज आर एच नेगेटिव, राइट? देन प्रैक्टिकली देयर इज नो नेचुरली अकरिंग आर एच एंटीबॉडीज. ऑल आर एच एंटीबॉडीज इन आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम इम्यूनाइजेशन सच एज बाय ट्रांसफ्यूजन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रिजल्टिंग इन टू फेटल हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न, राइट? हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न. सो नाउ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन गोज थ्रू द सिक्वेंशियल स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्दी डोनर हेल्दी ब्लड डोनर सिलेक्शन विद हीमोग्लोबिन मोर देन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर एंड फ्री ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज, राइट? सो एक हेल्दी इंडिविजुअल होना चाहिए, दैट दैट एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट कि ब्लड डोनेट कर रहा है एंड हिज हीमोग्लोबिन शुड बी मोर देन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर एंड विदाउट एनी इन्फेक्शन, राइट? और विदाउट एनी फ्री ऑफ इन्फेक्शस डिजीज बेसिकली. देन ब्लड कलेक्शन बाय फ्लेबोटॉमी इन अ स्टेराइल प्लास्टिक बैग कंटेनिंग एंटी कोगुलेंट कॉमनली एसिड सिट्रेट, मिक्सिंग ब्लड एंड कोगुलेंट जेंटली विद द ब्लड इज फ्लोइंग इन टू द बैग. सो देखो, देर इज अ बैग दैट इज स्टेराइल, राइट? एंड फ्लेबोटोमी की हेल्प से यू एक्सट्रैक्ट द ब्लड एंड इट यू मिक्स इट विद द एंटी कोगुलेंट एसिड सिट्रेट एंड राइट. और फिर हम उसको स्टोर कर देते हैं. स्टोर किस पे करते हैं? स्टोरेज ऑफ द ब्लड बैग इन रेफ्रिजरेटर एट 2 to 6 डिग्री सेल्सियस. बट डू रिमेंबर दिस थिंग दैट इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसफ्यूज द ब्लड, यू कैन नॉट ट्रांसफ्यूज दैट ब्लड एट 2 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज पेशेंट का टेम्परेचर इज 36 डिग्री सेल्सियस. और अगर आप 2 डिग्री सेल्सियस करोगे तो पेशेंट हाइपोथर्मिया में जा सकता है, राइट? सो इनिशियली आपको उस ब्लड बैग को इनिशियली आपको थोड़े से हाई टेम्परेचर पर लेके जाना पड़ेगा. हाई टेम्परेचर पे आपको ये नहीं गर्म करना है. आप क्या करोगे, जब पेशेंट का जो पेशेंट के आसपास रख दोगे, राइट? उसको या तो उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखोगे जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है, राइट? सो नॉर्मल टेम्परेचर में तो अपने आप को 2 डिग्री से, बट जस्ट बिफोर ट्रांसफ्यूजिंग, राइट? अगर आप ऐसे रख दोगे कि रात को आप बाहर रख के चले गए और ये ट्रांसफ्यूज होना है सुबह, तो वो ब्लड नहीं चढ़ा सकते, राइट? ब्लड को टेम्परेचर चाहिए 2 डिग्री सेल्सियस, राइट? अगर आपको सब कुछ अंदर नॉर्मल रखना है तो.
then donor testing of ABORH grouping and for infectious organisms HBV, HBS, AG, HCV, syphilis and malaria, blood grouping ABORH of the recipient, pre-transfusion compatibility testing of donor and recipient as under. First is antibody screening of the patient's serum to detect the presence of clinically significant antibodies, then cross-matching the patient's serum against donor red cells to confirm the donor's recipient compatibility, right, then supervised blood transfusion to observe reactions, if any, basically immediate reactions, acute reactions to nahi ho rahe. Supervision is really necessary. Then the indications for the blood transfusion are acute blood loss and various hematological disorders considered already. In addition to the whole blood transfusion, the modern blood banking techniques have made it possible to transfuse the blood components such as packed red cells, platelets, white blood cell concentrates and plasma components and plasmapheresis in specific situations. Right? The indications for the blood transfusion are acute blood loss and various hematological disorders. In addition to the whole blood transfusion, the modern blood banking techniques have made it possible to transfuse all the blood components such as packed red cells, platelets, white blood cell concentrates, plasma components and plasmapheresis. Plasmapheresis is the special technique jiske andar agar antibodies ban rahi hai. Basically this is useful in autoimmune disorders where there is autoantibodies formed against the cell or organs. So us condition mein you have to extract this antibody from your body, right? And ताकि जो बॉडी के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज हैं जो बॉडी को डैमेज कर रही हैं वो सब ठीक हो जाए, राइट. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अ केयरफुली प्रिपेयर्ड एंड सुपरवाइज्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज क्वाइट सेफ. हाउएवर इन 5 to 6% ऑफ ट्रांसफ्यूजन्स अनटूवर्ड कॉम्प्लिकेशंस, राइट. सो 5 to 6% of transfusions are complicated basically and occur, or some of which are minor while others are more serious and at times fatal. Your patient can die because of your transfusion. Agar aapne wo acute symptoms nahi dekhe aur immediately blood transfusion stop nahi kara, then right, then a immunological transfusion reaction. सो दो टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं, इम्यून एंड नॉन इम्यून. फर्स्ट इज इम्यून, जो एकदम से दिख जाते हैं. सो नॉन इम्यूनोजेनिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, दे मे बी अगेंस्ट रेड ब्लड सेल्स लाइक हीमोलिटिक रिएक्शंस, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स. देन नॉन इम्यून ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस इंक्लूड सर्कुलेटरी ओवरलोड, मैसिव ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसमिशन ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट. Right, these are a bit later effects, right. So immunologic transfusion reactions ki agar main baat karun, then these are as under. First is hemolytic transfusion reaction, such as there may be immediate or delayed intravascular or extravascular hemolysis. Then very rapid cell destruction associated with intravascular hemolysis is usually due to ABO incompatibility. आपने गलत blood transfuse कर दिया. Since both naturally occurring antibodies anti-A and anti-B are capable of fixing this complement. So अगर आपने B blood group चढ़ा दिया A में, that was having anti-B एंटीबॉडीज, सो ये दोनों को कंबाइन होकर ABO incompatibility हो जाएगी and there will be severe intravascular hemolysis. Then the symptoms include restlessness, anxiety, flushing, chest pain, tachypnea, tachycardia, nausea followed by shock and renal failure. So immediately anxiety, flushing, chest pain होने लग जाता है and skin पर भी red allergic रिएक्शंस दिखने लग जाते हैं. एंड अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो रहा है तो एकदम से ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना पड़ता है.
Extravascular hemolysis is more often due to the immune antibodies of RH system. The clinical manifestations are relatively less severe and usually consist of the malaise and fever, but shock and renal failure may rarely occur. Some patients develop delayed reactions in which the patient develops anemia due to destruction of the red cells in the RE system about a week after transfusion. Then such delayed reactions are generally the result of previous transfusion of pregnancy. Then transfusion related acute lung injury or TRALI. This is the uncommon reaction resulting from the transfusion of the donor plasma containing high levels of the anti-HLA antibodies which bind to leukocytes of the recipient, and these leukocytes then aggregate in the pulmonary micromutation and release the mediators of increased vascular permeability resulting in acute pulmonary edema and signs and symptoms of the respiratory failure. Right, so transfusion related acute lung injury is there. This is uncommon reaction but results from the transfusion, transfusion of the donor plasma containing high levels of the anti-HLA antibodies which bind to the leukocytes of the recipient. Then these leukocytes, they aggregate into the pulmonary micromutation and they release the mediators, or in mediators ki vajah se there is acute pulmonary edema and signs and symptoms of the respiratory failure. Then other allergic reactions besides hemolytic transfusion reaction, other reactions are as follows. First of all, febrile reaction. Febrile reaction means which usually attributed to the immunologic reactions against white blood cells, platelets, IgA class, immunoglobulins. Then patients with antibodies against IgA molecule sometimes develop anaphylactic shock on transfusion of the blood from other human subjects. Then allergic reactions such as urticaria may occur. Then transfusion related graft versus host disease mediated by donor T lymphocytes may also occur. Then non-immune transfusion reactions. Let's just get started with it. So non-immune transfusion reaction, this category includes the following adverse effects. First of all, circulatory overload. Circulatory overload resulting into the pulmonary congestion and acute heart failure is the most important and the most common complication that may result in death following transfusion. The risk of the circulatory overload is particularly high in the patients with chronic anemia and in infants and the elderly. Right, so jis bhi patient ke andar chronic anemia hai प्लस एल्डर है और इन्फैंट है, देन दीज थ्री टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स आर हैविंग द रिस्क ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड. नॉनसेट में भी इमीजिएट और मे बी डिलेड अप टू 24 आवर्स. देन मैसिव ट्रांसफ्यूजन, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द स्टोर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज टू द ब्लीडिंग पेशेंट एक्सीड्स देयर नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम, इट रिजल्ट्स इन डायल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड डायल्यूशनल इन द कोगुलेशन फैक्टर्स. Then transmission of the infection, like many diseases are transmitted by the infusion or transfusion of the infected blood. They are hepatitis, CMV infection, syphilis, malaria, toxoplasmosis, IM, brucellosis, AIDS. Right, so the incidence increases in the patient who receive multiple transfusions like hemophilia and thalassemias, right, such as the cases of hemophilia, thalassemia major, acute leukemias, acute severe hemorrhage, etc. It has therefore been mandatory that prior to any human transfusion, every unit of the blood must be screened for the serological testing of HIV, HBV, HCV and syphilis and for the presence of any malarial parasite. Then air embolism is unlikely to occur if the blood transfusion is carried out with the plastic bags with the negative pressure, as is the usual practice nowadays. A debilitated person
may develop symptomatic ear embolism even in the small volume that makes its way into the circulation, whereas a healthy individual is at lesser risk than thrombophlebitis. So the complication of the thrombophlebitis is more common associated with the venesection for the blood transfusion, especially if it is done with the saphenous vein, right, of the ankle rather than the veins of the arm, right? So thrombophlebitis is common when the vein, when you inject the blood in saphenous vein. The risk of developing thrombophlebitis is further enhanced if the transfusion is continued longer than 10 hours at the single site. Then transfusion hemosiderosis. Post transfusion, iron overload with deposition of the iron in the tissues of the body occurs after repeated transfusions in the absence of any blood loss like thalassemia major and in severe chronic refractory anemias. So in this, iron gets accumulated and it causes hemosiderosis, and agar humne isko pehle treat nahi kara, then hemochromatosis can occur and bronze diabetes can occur, right? The body has no other means of getting rid of extra iron except iron excretion at the rate of 1 mg per day. A unit of whole blood contains about 250 mg of iron. After approximately 100 units, the liver, myocardium, endocrine glands all are damaged. So that's why there are chances of bronze diabetes here. And further, even if patient does not end up in bronze diabetes, patient can damage his or her heart, liver and endocrine glands. Then blood components. So blood components jo ki transfuse ho sakte hain. First of all, sabne suna hoga whole blood to transfuse hota hi hai, but now we can transfuse a particular component of the blood. So blood from the donor is collected as a whole blood in a suitable anticoagulant, right? Nowadays it is common practice to divide whole blood into the components, which include packed RBCs, platelets, and right. So blood from the donor is collected as the whole blood. So इधर क्या हो रहा है, जो भी ब्लड ब्लड के कॉम्पोनेंट्स भी हम अब ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं. सो ब्लड फ्रॉम अ डोनर इज कलेक्टेड एज अ होल ब्लड इन अ सूटेबल एंटीकोगुलेंट्स, राइट? सो देन वी कैन डिवाइड इट इनटू द पैक्ड आरबीसीज, प्लेटलेट्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मास एंड क्रायो प्रेसिपिटेट एज पर द नीड. सो अगर किसी भी पेशेंट को फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, देन वी विल बी जस्ट गिविंग फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, राइट? व्हाई वी शुड गिव द होल ब्लड हियर, राइट? सो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर रियली बेनिफिशियल. देन द प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ द इनिशियल सेंट्रीफ्यूगेशन एट लो स्पीड ऑफ separate whole blood into the two parts, packed RBCs and platelet rich plasma, subsequently PRP centrifuged at high speed or to yield two parts, random donor platelets, FFP, cryoprecipitates are obtained by thawing of the FFP following by centrifugation. Apheresis is the technique of direct collection of the large excess of the platelets from a single donor. And if we just want to give platelets, then apheresis is given. Apheresis is there, जिससे हम सीधा donor से platelets ही collect कर लेते हैं, right? Then application of these blood components in the clinical use are as under. First of all, packed RBC. These are used to raise the oxygen carrying capacity of the blood and are used in the normovolumic patients of anemia without any cardiac disease. One unit of packed RBC may raise hemoglobin by 1 gram per deciliter. Then platelets, transfusion of the platelets is done in the patients of thrombocytopenia who have hemorrhage. Optimally, platelet transfusion can be given to a patient with platelet count below 10,000 μL.
each unit of platelet can raise the platelet count by 5000 to 10000 mu L. And the third, fresh frozen plasma or FFP. Fresh frozen plasma contains the plasma proteins and coagulation factors that include albumin protein C, protein S. So these are anticoagulant factors, then antithrombin, and all the coagulation factors. Then FFP transfusion is indicated in the patients of coagulation failure and TTP. Each unit of FFP raises the coagulation factors by about 2%. Then cryoprecipitate. Cryoprecipitate is a source of insoluble plasma proteins. ठीक है? Cryoprecipitate is a source of insoluble plasma proteins, fibrinogen factor 8, von Willebrand factor. So this is a newer thing जिसमें respective coagulation factors होते हैं, right? So cryoprecipitate is a source of insoluble plasma proteins, fibrinogen factor 8, von Willebrand factor. So indications for transfusion of the cryoprecipitate are for the patients requiring fibrinogen factor 8, von Willebrand factor, and transfusion of the single unit of the cryoprecipitate yields about 80 IU of the factor 8. So cryoprecipitate is the newer thing, but it is more expensive and it is not available in rural areas. So बहुत ही high end hospitals में ही ये available हो सकता है, but let's see after 10 years it can be available everywhere, right? Now comes the hemolytic disease of the newborn. Hemolytic disease of the newborn results from the passage of the IgG antibodies from the maternal circulation across the placenta into the circulation of the fetal red cells. So, hemolytic disease of the newborn results from the passage of the IgG antibodies from the maternal circulation across the placenta into the circulation of the fetal red cells. Beside pregnancy, sensitization of the mother may result from the previous abortions and previous blood transfusions. And hemolytic disease of newborn can occur from incompatibility of the ABO and RH blood group system. ABO incompatibility is much more common about HDN in such cases. Usually mild, while RHD incompatibility result in more severe form of the HDN, right? So that's why NTD is given, right? Then pathogenesis. Pathogenesis of the two main forms of the HDN is different. First of all, HDN due to the RHD incompatibility. RH incompatibility occurs when a RH negative mother is sensitized to a RH positive blood, right? RH positive blood. This results, so ये है previous pregnancy, first pregnancy. First pregnancy में RH negative mother थी, RH positive fetus था, और इसका fetus का blood comes into mother's blood and ये mother हो गई sensitized. Then in the second pregnancy, what will happen? अगर same conditions हुई, RH negative mother है और RH positive fetus है, तो RH negative mother के अंदर pre-sensitization हो रखा है RH positive के लिए, तो immediately जो mother है, वो mother का blood जो है, उसमें जो antibodies हैं, वो act करने लग जाएंगे RH positive fetus पे, and thus fetus को damage होगा, right? So RH incompatibility occurs when RH negative mother is sensitized to the RH positive blood. This results more often from a RH positive fetus by the passage of the RH positive red cells across the placenta into the circulation of the RH negative mother, right? Normally during the pregnancy, very few fetal red cells come across the placenta, but hemorrhage during parturition results in the significant sensitization of the mother. ठीक है, first pregnancy में कोई भी damage नहीं होगा किसी को भी. Sensitization is more likely if the mother and the fetus are ABO compatible rather than ABO incompatible. Then, though approximately 95% cases of the RHHDN are due to the NTD,
Some cases are due to the combination of the anti-D with other immune antibodies of the RH system, such as anti-C, anti-E, and rarely anti-C alone. So basically, anti-D is the main culprit. Then it must be emphasized here that the risk of the sensitization of a RH negative woman married to RH positive man is small in the first pregnancy but increases during the successive pregnancies if prophylactic anti-D immunoglobulin is not given. जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट हुई, फर्स्ट में सेंसिटाइजेशन हो गई, सेकंड में इमीडिएटली मदर को पता, मदर के एंटीबॉडीज को पता चल जाएगा दैट फीटस इज आरएच पॉजिटिव, और वो इमीडिएट एक्शन शो करने लग जाएगा एंड इट विल बी डैमेजिंग फॉर अ फीटस, राइट? सो एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन हैज टू बी इंजेक्टेड, राइट? एंड If prophylactically anti-D immunoglobulin is not given within 72 hours after the first delivery के just 72 hours पर ये देना बहुत ज़रूरी है. If both the parents are RHD positive and the newborn will be RHD positive, while if the father is RHD positive heterozygous, then there are 50% chances of producing a RHD negative child. Then HDN due to ABO incompatibility. About 20% of the pregnancies with ABO incompatibility between the mother and the fetus develop the HDN, right? Naturally occurring anti-D and anti-B antibodies, which are usually IgM class, they do not cross placenta. They cannot cross placenta. IgM is a huge antibody, right? Pentavalent होती है. तो ये placenta को cross नहीं कर सकती. IgG can easily cross, right? While immune anti-A and anti-B antibodies, which cross usually of and IgG class, may cross placenta into fetal circulation and damage the fetal red cells, right? And ABO-HDN occurs most frequently in the infant born to the group O, and mother who possess anti-A and anti-B IgG antibodies. Then ABO-HDN differs from the RHD-HDN in that it occurs in the first pregnancy. Combs test is generally negative and is less severe than latter, right? एंड क्लिनिकल फीचर्स क्या देखेंगे, द एच डी एन ड्यू टू द आर एच डी इनकम्पैटिबिलिटी इन इट्स सीवियरेस्ट फॉर्म में रिजल्ट इन टू द इंट्रा यूट्राइन डेथ फ्रॉम हाइड्रोस्पिटैलिस लाइक आई हैव सेड अर्लियर. देन मॉडरेट डिजीज प्रोड्यूसेस अ बेबी बॉर्न विद सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस ड्यू टू द अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया. When the level of the unconjugated bilirubin exceeds 20 mg per dl, it may result in deposition of the bile pigment in the basal ganglia and, जैसे कि मैंने कहा था, कर्निक टेरस एंड thus permanent brain damage. Mild disease, however, causes only severe anemia with or without jaundice, right? But this is the main disorder, main damage, permanent brain damage जो fetus का हो जाता है because of HDN. Then laboratory findings. The hematological findings in the cord blood and mother's blood are as under. First is cord blood shows a variable degree of anemia, reticulocytosis, elevated serum bilirubin and a positive direct Coombs test if the cord blood is RHD positive. And a mother's blood is RHD negative with plasma titrate of NTD. And course and prognosis, the course of HDN may ranges from death to the minimum hemolysis to mental retardation. The practice of the administration of the anti-RH immunoglobulin or anti-D immunoglobulin to the mother before or after delivery has reduced the incidence of the HDN as well as protects the mother before the baby's RBC sensitize the mother's blood. Exchange transfusion of the baby is done to remove the antibodies, removed cell susceptible to hemolysis and also to lower the bilirubin level, right? And let's just first revise and हाँ, कूम्स टेस्ट हम एक सेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे, सब डिस्कस करेंगे कूम्स टेस्ट के बारे में, हाउ इट इज डन एंड हाउ द वी कम टू कंक्लूजन्स एंड ऑल. वो कूम्स टेस्ट करना ज़रूरी है, आई नो. सो हम एक सेशन के अंदर पूरा कूम्स टेस्ट ही डिस्कस करेंगे. मैंने ये सुबह वाली क्लास में भी बता दिया था. सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमने एबीओ ब्लड ग्रुप देख लिया, रेजर सिस्टम हमने देख लिया, डी की इंपॉर्टेंस देख ली, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देख लिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस भी देख लिए, इम्यूनोलॉजिकल और नॉन इम्यूनोलॉजिकल, देन ब्लड के कॉम्पोनेंट्स जो अवेलेबल हैं वो भी देख लिए,
हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न भी देख लिया, राइट. सो हिमोलिटिक डिजीज दो तरीके से भी हो सकता है, ए बी ओ इनकम्पैटिबिलिटी एंड आर एच इनकम्पैटिबिलिटी. आर एच इनकम्पैटिबिलिटी इज सीवियर वन, ए बी ओ से माइल्ड है, माइल्ड है ए बी ओ, ए बी ओ इज माइल्ड, राइट. देन या वी हैव डिस्कस अबाउट दीज ऑल थिंग्स. या सो आई थिंक लेट्स एंड दिस सेशन हियर. थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग. एक बार रिवाइज कर लेंगे. नो वी हैव डन द थिंग्स. या सो थैंक यू सो मच. वील बी मीटिंग सून.